दिल्ली के भजनपुरा में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के सनसनीखेज मामले को पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक शुभम के फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान प्रभु चौधरी के रूप में हुई है, जो कि बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि जिस आरोपी ने मृतक शंभू से 30,000 रुपए उधार लिए और मृतक शंभू लगातार अपने पैसे वापस मांग रहा था, जिसके कारण मृतक शंभू की पत्नी ने आरोपी प्रभु का बदला अपने साथ हुई बदतमीजी की बदला लेने के लिए आरोपी ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे दिया। कल भजनपुरा इलाके में एक घटना हुई थी, एक हादसा हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले थे। इसके बाद हम लोगों ने इसमें मौका मुआयना करने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया था और इन्वेस्टिगेशन के लिए डीसीपी नॉर्थ ईस्ट की लीडरशिप में और एडिशनल डीसीपी सुकांत वल्लभ और बाकी जितने भी इलाके के अफसर हैं और स्पेशल स्टाफ की टीम को इसमें लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इतनी सारी टीमें एक साथ प्रेस की गई थी और जितने भी अवेलेबल क्लूज हैं उन सब पे लगातार काम किया गया और जिसकी वजह से हमने इस मामले को 24 घंटे के अंदर में सुलझा लिया है। पुलिस की तफ्तीश में आरोपी ने बताया कि उसने इन हत्याओं को 3 फरवरी को एक एक करके अंजाम दिया था। उसने पहले शंभू को फोन कर लक्ष्मीनगर बुलाया और पीछे से आरोपी शंभू के घर चला गया। घर में सुनीता अकेली थी, इस वजह से पहले आरोपी प्रभु ने सुनीता का गला दबाकर हत्या की। इसके बाद सुनीता की बेटी और 2 बेटों पर लोहे की रॉड से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर घर में बाहर से ताला लगाकर मृतक शंभू को फोन कर गामड़ी गांव बुलाया और उसके साथ शराब। मृतक शंभू इस बात से अनजान था कि जिसके साथ वो शराब पी रहा है उसने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। साथ में शराब पीने के बाद एक बार फिर आरोपी प्रभु मृतक शंभू के साथ उसके घर गया। जैसे ही शंभू ने घर में प्रवेश किया तो लोहे की रॉड से शंभू पर भी हमला कर दिया गया, उसकी भी हत्या कर दी गई। पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया। 5 लोगों की हत्या का आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में है। देखना होगा कि आगे इस केस में और क्या नए तथ्य सामने आते हैं। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए इशरार अहमद की रिपोर्ट।